लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। डोकलाम विवाद के बाद अरुणाचल प्रदेश के तुतिंग इलाके में हाल ही में चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की थी। हालांकि भारतीय सेना के वहां पहुंचते ही चीनी दल वहां से भाग खड़ा हुआ। ये कहानी तो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर असली कहानी जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व का एहसास होगा। दरअसल चीन की इस नापाक चाल पर पानी फेरने वाली भारतीय सेना नहीं बल्कि एक आम नागरिक था। जी हाँ, कुली का काम करने वाले एक व्यक्ति ने सेना को चीन की घुसपैठ की खबर दी थी। 28 दिसंबर को जब इस कुली ने चीनी दल को सबसे पहले देखा और सेना को खबर दी। खबर मिलते ही सेना की टुकड़ी बेस कैंप से मैकमोहन लाइन यानी भारत चीन सीमा की तरफ रवाना हुई। भारतीय सैनिक 19 घंटे पैदल चलकर मौके पर पहुंचे थे। भारतीय सैनिकों को देख चीन का सड़क बनाने वाला दल अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सड़क नहीं होने की वजह से भारतीय सैनिकों को पैदल घुसपैठ स्थल तक पहुंचना पड़ा और इसमें 19 घंटे लग गए। सेना की तरफ से 124 जवान राशन के साथ सीमा पर भेजे गए ताकि वे वहां पर करीब एक महीने तक आसानी से रह सकें। सीमा पर सड़क नहीं होने और खच्चर आदि की सुविधा न होने की वजह से भारतीय सेना को अपने 300 पोर्टर लगाने पड़े जिससे सैनिकों के लिए राशन वहां पहुंचाया जा सके। एक रक्षा सूत्र ने कहा, शुरू में ऐसा लगा कि चीनी सेना डोकलाम के बाद विवाद का एक और मोर्चा खोलना चाहती है। हमें यह विश्वास था कि वहां पर लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। डोकलाम विवाद से सबक लेते हुए हमने 28 दिसंबर को ही घुसपैठ स्थल के लिए सैनिकों को रवाना कर दिया। आप उस तरह सपाचय।